पराठे को अभी तक अनहेल्दी माना जाता था, पर हम इसको इतना हेल्दी बना देंगे कि इसमें आपको विटामिन्स, मिनरल्स, फैट्स, प्रोटीन्स एंड सब कुछ मिलेगा। तो चलिए बनाना सीखें एंड ये काफी ज्यादा इजी एंड टेस्टी भी होने वाला है। तो इसको बनाने के लिए हमें चाहिए होगी मूली और उसके साथ उसके काफी मुलायम वाले पत्ते, गोभी, मिर्च, शिमला मिर्च, नींबू, थोड़ी सी धनिया, गाजर, प्याज, अदरक, पनीर और पालक के कुछ पत्ते। अब ये तो हो गया फिलिंग का। अब क्योंकि पराठा बना रहे हैं इसीलिए चाहिए होगा आटा और अपना फेवरेट कुकिंग मीडियम। आप सेम मटर या फिर बीन्स जैसी सब्जियों का यूज कर सकते हैं। अब ये क्योंकि थोड़ा सा देर में पकने वाली सब्जियां होती हैं, इसीलिए ये ध्यान रख लीजिए कि इसको जितना छोटे से छोटा आप कर सकें उतना छोटे से छोटा कर लें। जैसे कि ये देखिए, मैंने इसको एकदम बारीक काटा है, इसको मैं क्रश कर दूंगा और साथ में नमक। हमने अपनी मूली को कद्दूकस कर लिया था और उसके साथ हमने उसके जो पत्ते थे उसको बारीक बारीक काट लिया था। अब इस मिक्सचर में हम अपना नमक डाल के इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे तब तक मिलाएंगे जब तक इसका सारा कंटेंट अच्छे से ना मिल जाए और नमक इवनली डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाए। तो अब नमक अच्छे से मिल चुका है, तो अब हम इसे कुछ देर तक छोड़ देंगे। तो अब हमने इसे आधे घंटे तक छोड़ दिया था, तो आप देख सकते हैं कि इसने अपना ये पानी ऐसे छोड़ दिया है। तो अब हम इसको ऐसे लेंगे, अच्छे से निचोड़ लेंगे और फिर एक भगोने में निकाल लेंगे जिसमें हम मिलाएंगे इसमें खूब सारी धनिया की पत्ती। अब ये जो इसका पानी है इसको आप फेंकिएगा मत, इसमें हम नींबू मिला के इसका आटा सानेंगे। अब ये हमने अच्छे से निचोड़ लिया है, अगर थोड़ा सा रह जाए तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो अब इसी में हम अपना नींबू का रस जो है निचोड़ लेते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि हमने ये सारा निकाल लिया है, तो अब हम इसमें अपनी धनिया की पत्ती डाल लेते हैं और फिर इसे मिला लेते हैं। अब इसमें क्योंकि नमक है इसीलिए हम इसमें बिना नमक मिलाए ही इसी का आटा सान लेते हैं। तो चलिए अब हम इसमें अपना आटा डाल के आटा गूंथ लेते हैं। तो अब यहां पर आपका स्टेज वन कंप्लीट हो चुका है। आप चाहें तो अपने मूली के कद्दूकस के साथ अपना आटा मिला के अपना पराठा तैयार कर सकते हैं, पर क्योंकि मैं इसे थोड़ा सा और ज्यादा हेल्दी पसंद करूंगा इसीलिए मैं इसमें ऐड करूंगा अपनी गोभी, गाजर और पनीर। इन दोनों को मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है और इसको मैंने हाथ की मदद से अच्छे से छोटे छोटे पीसेस में तोड़ लिया है। अगर आप घर पे ही पनीर बना रहे हैं तो इसका पानी आप यूज कर सकते हैं अपना आटा सानने के लिए। साथ ही में हम यहाँ पर यूज करेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, पालक की पत्ती और शिमला मिर्च। आप चाहें तो मिर्च भी डाल सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक से दो मिर्चियां यूज की हैं जिसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है और साथ ही में अच्छी सी कुटी हुई अदरक। तो चलिए अब हम इन सब आइटम्स को इसमें मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये जो मटेरियल है इसमें हम अपना नमक मिला लेते हैं। अब यहाँ पर नमक डालते ही साथ आपकी जो गाजर है अगर फ्रेश है तो वो पानी छोड़ेगी, तो आटे में भरने से पहले आप इसको एकदम निचोड़ लीजिएगा जैसे कि आपने अपनी मूली के साथ किया था। तो चलिए अब हम इसे मिला लेते हैं। ये लीजिए, तैयार है आपका फ्रेश एंड टेस्टी जूस। इसको अगर आप उबाल देंगे तो ये बन जाएगा एक बहुत ही टेस्टी सूप। तो अभी हमने यहां पर एक लोई ले ली है, इसमें हम अपनी फिलिंग को भर के बेल लेते हैं। अब हम अपने पराठे को तवे पे ऑयल लगा के अच्छे से गुलाबी सेक लेंगे और मीनवाइल हमने अपना यहाँ पर दूसरा पराठा भी तैयार कर लिया। तो अब इसे एंजॉय कीजिए वैरायटी ऑफ सैलेड्स एंड कई सारे अचार या फिर चटनी और दही के साथ।